हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ नारियल और मूंगफली की बर्फ़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मैंने लिया है धुली हुई मूंगफली 2 कटोरी और चीनी 4 कटोरी। यहाँ मैं इसकी बर्फ़ी बनाना है, इसलिए चीनी थोड़ा ज़्यादा लेना है और नारियल का टुकड़ा, थोड़ा पानी। पहले हम तो मूँगफली को कढ़ाई में भून लेंगे। इसे ना हमें बहुत ज़्यादा भूनना है और ना ही बहुत कम। दोस्तों, हमारी मूंगफली भूनकर तैयार हुई है। जब तक हमारी मूंगफली ठंडी होगी, तब तक हम एक तरफ सिरा रख देते हैं। सिरा हम चीनी डालेंगे और पानी इसमें बहुत ही थोड़ा डालेंगे, क्योंकि पानी अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो इसे हमें बहुत देर तक पकाना पड़ेगा। इसलिए पानी बहुत ही कम यूज करना है। जब तक हमारा सिरा एक तरफ हो रहा है, तब तक हम दूसरी तरफ मूंगफली को छील लेंगे और नारियल को कद्दूकस कर लेते हैं। तो मैं नारियल ले लेती हूँ और इसे पतले पतले कद्दूकस कर, और ये देखिए हमारे कितने अच्छे स्लाइस निकल रहे हैं। ये हम चिप्स जिससे काटते हैं उसे ही कर रहे हैं। और हम यहाँ पे थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी यूज करेंगे, जो कि मैंने मार्केट से ही लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं घर पर भी। तो यहाँ हमारा सिरा भी तैयार हो चुका है, एक तरफ देख रहे हैं, और सिरा हमारा चिपकने लगे हाथ में और ये जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक थाली में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे या मूंगफली का तेल, ताकि हमारी बर्फ़ी आसानी से निकल आए। और हम इसमें डाल देते हैं मूंगफली, थोड़ा सा नारियल बुरादा और जो मैंने कद्दूकस किया था वो नारियल डाल दिया है, और इसे हम आपस में मिला लेते हैं और हमारी बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है। इसे हम एक थाली में डाल देंगे और इसे ठंडा होने तक हम इंतज़ार करेंगे। जब दोस्तों ये ठंडा हो जाएगा, तब हम थाली को सीधे पलट देंगे। ये ऐसे भी निकल आएगी या इसे हम चाकू से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारी बर्फ़ी बन करके बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं एयरटाइट डिब्बे में। ये 9 दिन आराम से चल जाती है और इसे हम जब भी खाना चाहें तो भी बना सकते हैं, किसी भी व्रत में बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।